सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। कुछ अलग करना चाहते हो तो अपनी राह खुद चुनो, दूसरों के राहों पर चलकर तो उनका ही अक्ष बनोगे। ज्ञान और समय किसी के पास असीमित नहीं होता, आप पर निर्भर है आप इनका इस्तेमाल किस हद तक करना जानते हैं। आज का पंचांग 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 10:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:56 से 3:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मीन राशि 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, इसे मैं आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपकी कोई खास समस्या हल होने वाली है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी जानकारी हासिल करने संबंधित रुचि बनी रहेगी। आप अपने व्यक्तिगत तथा रुचिपूर्ण कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे। जीवन में स्थिरता रहेगी, खुद को थोड़ा ब्रेक देने की कोशिश करें। नया काम शुरू करने के लिए अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। जब तक मानसिक रूप से खुद को मजबूत नहीं बनाते तब तक आगे की समस्याओं का सामना करना संभव नहीं होगा। खुद का हौसला ना टूटे इस बात का ध्यान रखना होगा। विदेश में कार्य विस्तार करना संभव हो सकता है, इसके लिए विदेश में स्थित किसी व्यक्ति की मदद प्राप्त होगी। पार्टनर से दूर रहने की वजह से थोड़ा निराशा महसूस होगा। आपकी और पार्टनर की मुलाकात हो सकती है, आंखों से संबंधित दिक्कत चिंता का कारण बनेगी। सावधानियां, घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्या आने से तनाव रहेगा। इस समय धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि बाहरी व्यक्तियों का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ही ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच गलतफहमी की वजह से कुछ मनमुटाव हो सकता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा घर में भी मधुरता बनाए रखें। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रही हैं। इसका कारण यह है कि आप अपनी सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रही हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। बात करते हैं करियर की। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे भी अपने आशा से ज्यादा अधिक परीक्षा देंगे, परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं आपको शीघ्र अति शीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपनी कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्यभार रहेगा तथा दिन व्यवस्था पूर्ण व्यतीत होगा और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। सरकारी नौकरी में किसी भी
तरह की अनुचित कार्य में दिलचस्पी ना ली, कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। बात करती है सेहत की। अच्छा, आपको वायरल ठंड या मौसमी बुखार से परेशान होना पड़ सकता है। आपको इससे बचने के लिए समय से सावधानी रखते हुए दवा लेनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर आपने अब एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई हुई है और आपको बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके दिमाग में बस स्वस्थ रहने की इच्छा छाई हुई है। आज आराम करने से आपको अपना स्वास्थ्य काफी बेहतर अनुभव होगा। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।